अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो कंक्रीट पोरिंग से पहले हम स्टील इंस्पेक्शन करने आए हैं ममटी स्लैब का। ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसके ममटी की कंक्रीट पोरिंग एक्सपेक्टेड है कल, और यहाँ पर स्टील की फिक्सिंग हुई है। तो ममटी जो है वो वहाँ पर कोई हैवी लोड्स नहीं आते, इसलिए वहाँ पर जो स्टील है वो ज़्यादा हैवी नहीं यूज़ किया जाता। ड्रॉप बीम्स भी आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, इवन स्लैब के अंदर कोई भी ड्रॉप बीम नहीं है, सिर्फ वो कंसील्ड बीम आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा, ये कंसील्ड बीम और ये क्रॉस बीम्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्रॉस बीम्स तो वहाँ पर यूज़ की जाते हैं जहाँ पर हमारा कैंटिलीवर केस आता है, और बाकी ये है कि जो ये स्टील आपको नज़र आ रहा है, ये जो ड्रॉप बीम्स है, ये ड्रॉप बीम्स बेसिकली ओपनिंग्स के लिए है। ओपनिंग्स का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके विंडो आ रहा है या जहाँ पर आपका डोर आ रहा है, सिर्फ वहाँ पर ये ओपनिंग्स है, बाकी जो है सारी क्लियर हैं। ये आप देख लीजिएगा। तो इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन में सबसे मेन जो है हमने जिस चीज़ को चेक करना है वो इसको चेक करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 7 इंचेस टू 9 इंचेस की स्पेसिंग पे हमने इसका स्टील यूज़ किया, और इसके अलावा ये कंसील्ड बीम है जिसमें 5 नंबर 6 का स्टील हमने यूज़ किया है। क्योंकि एक सिंगल कमरा होता है इसलिए यहाँ पर ड्रॉप बीम का देना जो है वो स्पेस को ख़राब कर देता है, इस वजह से हम ड्रॉप बीम की बजाय कंसील बीम की तरफ जाते हैं। ये क्रॉस बीम आपको नज़र आ रहा है,